तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से 10th पास कैंडिडेट्स के लिए, 12th पास कैंडिडेट्स के लिए और ग्रेजुएट एंड अबव कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी निकल के आ चुकी है। तो आज के शुरू में हम इसी की जानकारी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 रिक्रूटमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पर इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे, एप्लीकेशन फी की, वैकेंसीज के क्वालिफिकेशन की बात करने वाले हैं और कितनी सैलरी आपको दी जाएंगी, इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो जैसे कि आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको इस पेज पर लेके आ चुका हूँ, जहाँ पर आप देख पा रहे हो पोस्ट नेम, पोस्ट नंबर, डिपार्टमेंट, एज, पे स्केल लेवल और यहाँ पे क्वालिफिकेशन लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। ये डिटेल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, ये लेवल है। और यहाँ पर वैकेंसीज आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका, केरला रीजन, मध्य प्रदेश सब रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और उसी के साथ साथ वेस्टर्न रीजन, साउथर्न रीजन, सभी रीजन्स के लिए वैकेंसी निकल के आ चुकी है एसएससी की तरफ से। और कौन सी वैकेंसी है, तो फेज 10 2022 सिलेक्शन पोस्ट। तो यहाँ पर इन सारे रीजन्स के लिए ये वैकेंसी निकाल गई है। और डिटेल में यदि आपको जानकारी चाहिए तो ये लिंक आपका भी दे रखी है, इस लिंक पे अब जब आप जाओगे तो इस तरह का पेज आ जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद में आपके रीजन के हिसाब से वैकेंसी को सर्च कर सकते हो और क्वालिफिकेशन देख सकते हो डिटेल के अंदर, जो कि आपको किसी भी वेबसाइट पर मिलेगा नहीं, सिर्फ यहीं पर आपको मिलेगा। तो मैंने सबसे पहले वेस्टर्न रीजन का यहाँ पे ओपन कर लिया है और सर्च पे मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो पोस्ट का रीजन और पोस्ट का कोड, पोस्ट का नाम, डिपार्टमेंट नाम और कितने सैलरी आपको दी जाने वाली है इस पोस्ट के लिए और क्या एज लिमिट है और कंप्लीट डिटेल्स इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेंगी। तो मैंने सबसे पहले पोस्ट की जानकारी ओपन कर ली। यहाँ पर जैसे मैं आऊँगा तो आपको देखिए पोस्ट कोड दिखाई दे रहा है, पोस्ट नेम फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक, क्वालिफिकेशन लेवल क्या चाहिए, 12th पास के लिए है। लेकिन उसके अंदर इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हो, 12th पास जिनका भी कंप्लीट साइंस स्ट्रीम में से, यानी कि फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी आपका 12th में था और उसी के साथ साथ आपका आयुर्वेदिक फार्मेसी में डिग्री कंप्लीट है या फिर डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी कोर्स आपका कंप्लीट हुआ है तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। लेकिन जो कोर्स है वो 2 साल से कम का रहना नहीं चाहिए फ्रॉम अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, और उसी के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट फील्ड के अंदर। और उसी के अंदर आप नीचे देख सकते हो वैकेंसी, एज लिमिट, क्लासिफिकेशन, डिपार्टमेंट का नाम, ग्रेड पेमेंट और यहाँ पर देखिए कौन सी स्किल होना क्या वो पूछा गया है, तो नहीं चाहिए, ऑल जेंडर्स आर एलिजिबल यहाँ पर, और PW कैटेगरीज भी अप्लीकेशन कर सकती है, स्किल टेस्ट आपका नहीं होगा यहाँ पर, और आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होंगी, तो नागपुर विथ AISL यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होंगी, काम क्या करना पड़ेगा, जॉब प्रोफाइल, तो वो भी आप अभी देख सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी जब आप उस बटन पर क्लिक करोगे तब। फाइनली मैं इसे क्लोज कर दूंगा यहाँ से। और इसी तरह आप जितने भी नोटिफिकेशन में वैकेंसीज निकाली गई थी जिनका क्वालिफिकेशन लेवल आप चेक करके फिर देख सकते हो, जैसे कि मैट्रिकुलेशन लेवल, हायर सेकेंडरी, 12th पास के लिए और ग्रेजुएट अबव कैंडिडेट्स के लिए आप वैकेंसीज देख सकते हो। डिटेल में आपको यदि जानकारी चाहिए तो आपको इस वेबसाइट का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके रीजन वाइज आप चूज़ कर सकते हो, ये चूज़ करते हो आपको फेज 10 चूज़ करना है क्योंकि अभी की ये वैकेंसी है। अभी हम अदर इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 12 मई से स्टार्ट हो चुका है और 13 जून को एंडिंग हो जाएंगी, इसकी लास्ट डेट 13 जून ही है। और यहाँ पर आपको ऑनलाइन फ़ी पे करना है, उसकी लास्ट डेट है 15 जून और यदि आपको ऑफलाइन चालान जनरेट करना है उसकी लास्ट डेट है 16 जून और चालान के थ्रू पेमेंट करने की लास्ट डेट है 18 जून 2022। और यहाँ पे यदि आपको एप्लीकेशन में कोई करेक्शन करना है तो उसके लिए विंडो ओपन रहेगा 20 जून से लेकर 24 जून तक, इसके बीच में आप एप्लीकेशन में चेंजेस कर सकते हो और उसके बाद में फाइनल सबमिट कर सकते हो। आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कब होगा, तो अगस्त मंथ में हो सकता है, ये टेंटेटिव डेट है क्योंकि ये आगे चेंज भी हो सकती है, इस तरह से यहाँ पर दिया गया आपको। आपको एज लिमिट यदि देखना है तो आप एज लिमिट तो वहाँ पर पोस्ट के डिटेल्स में देख लोगे, लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट बता दूँ, आपका एज लिमिट, आपका क्वालिफिकेशन का लेवल या फिर आपका एक्सपीरियंस, ये 1 जनवरी 2022 से लेकर 13 जून 2022 तक ही काउंट किया जाने वाला है, यानी 13 जून 2022 तक काउंट किया जाएगा, उसके बाद में काउंट नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है आपको। अभी एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो 100 रुपीज़ सभी कैटेगरीज को पे करना है, लेकिन जो वीमेन कैंडिडेट्स है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से कैंडिडेट्स आते हैं, PWD कैटेगरीज है, एक्सर्विसमैन है, आपको कोई भी पेमेंट यहाँ पे करना नहीं है। अदर कैटेगरी को 100 रुपये पे करना पड़ेगा 15 जून से पहले। इसी के बाद में हम यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव ड्राइव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसके अंदर देखिए आपके क्वालिफिकेशन लेवल के हिसाब से आपको क्वेश्चन आएंगे।
लेकिन ये जो आप सब्जेक्ट देख पा रहे हो ये सेम ही है, लेकिन ये आपके क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करेंगे। तो जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन रहेंगे 25 50 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के भी सेम रहेंगे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। उसी तरह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि अरिथमेटिक स्किल, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज इंग्लिश का चेक किया जाएगा। और यहाँ पर आप ड्यूरेशन देख सकते हो, सभी कैटेगरीज को एक घंटा दिया जाएगा, लेकिन जो कैंडिडेट्स आते हैं स्क्राइब कैटेगरी से तो उन्हें 80 मिनट्स अभी दिए जाएंगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेंगी 0.50 मार्क्स की, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जिस भी पोस्ट के अंदर स्किल टेस्ट मांगी गई थी यानी कि टाइपिंग या फिर ट्रेंट्री या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो वो भी आपकी होने वाली है इस एग्जामिनेशन के बाद में, लेकिन जो पोस्ट में मांगा गया था उसी की होंगी, अदर पोस्ट की नहीं होने वाली है। यहाँ पर यदि आपको सिलेबस देखना है नोटिफिकेशन में, वो भी आपको दिया गया है आपके एजुकेशन लेवल वाइज। तो मैट्रिकुलेशन लेवल में जनरल इंटेलिजेंस के अंदर कौन से टॉपिक पे कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे दिया गया नोटिफिकेशन के अंदर जनरल अवेयरनेस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैट्रिकुलेशन के लेवल के पोस्ट को आप अप्लाई कर रहे हो तो इंग्लिश लैंग्वेज में इन टॉपिक्स पे से क्वेश्चंस आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इन टॉपिक्स पे से क्वेश्चन आएंगे, उसी के साथ साथ जनरल इंटेलिजेंस में इस टॉपिक्स पे से और जनरल अवेयरनेस में से इन टॉपिक्स पे से क्वेश्चन आएंगे। तो ये आप नोटिफिकेशन प्रेफर कर सकते हो यदि आपको सिलेबस देखना है तो आपके क्वालिफिकेशन लेवल वाइज। उसी तरह अदर क्वालिफिकेशन लेवल के लिए भी सिलेबस दे रखा है नोटिफिकेशन में, आप देख सकते हो। और हाँ गाइस, जब आपके एग्जामिनेशन में आप जाओगे तो आपको जैसे पता ही है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी कार्ड यानी कि आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, और उसके साथ आपको फोटोग्राफ भी लेके जाना है दो आपके, ये ज़रूरी है आपके एग्जामिनेशन के वक्त। गाइस हम अभी एग्जामिनेशन के कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो देखिए यूआर कैटेगरी के लिए 35% कट ऑफ है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 30 और अदर कैटेगरी के लिए 25 कट ऑफ यहाँ पर रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन में। और यहाँ पर ये एग्जामिनेशन हो जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, जिसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे सभी ओरिजिनल्स, और जिस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट मांगी गई थी आपकी स्किल टेस्ट होंगी, और फाइनली आपका यहाँ पे मेरिट टेस्ट लगाया जाएगा। तो अभी हम अप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर कि आपका सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने वाला है, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। यदि आप चाहते हो उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, मुझे जरूर से बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। और उसी के बाद में आपको आपका अप्लीकेशन फिलअप करना है। यदि आपको वो प्रोसेस भी देखनी है तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में जब आप आओगे तो आपको सारे स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल करके दिए हैं कि क्या प्रोसेस के बारे में आपको क्या करना है, किस तरह की इमेज चाहिए, कौन से ऑप्शन आपको चूज़ करना है, ये सारा प्रोसेस आपको यहाँ पर दिया गया नोटिफिकेशन के अंदर, वो आप देख सकते हो। सो गाइस, यहाँ पर सभी क्वालिफिकेशन लेवल्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है एसएससी की तरफ से। यदि आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर रेडी हूँ। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से लाइक करेगा, आपके सदस्यों को शेयर करेगा और इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।